आ गया मेरा बेटा, आ जा बेटा, आ जा। एंट्री आ गई मसूरी की रानी राजकुमारी। ये इसका हो गया है, सीधा खड़े हो बेटा। 149 सेंटीमीटर और ये होगा 4 फुट 10। 149 BMI चेक करो। इस तरह से छोटी छोटी ये होती है बोतल टाइप, और इसमें ये छोटी छोटी दवाई डलती है। इधर ही है, आराम से बेटा। आ गया मेरा बेटा, वाह। मेरे बेटे का सफर अच्छा रहा। हेलो बोल दे। हेलो गाइस, हम बुआ के घर आ गए। अरे वाह, रमन ट्यूशन गया है। बेटी रख दे बैग, रख दे इधर ही, रख दे बैग, बस अभी आने वाला है। बैठ जे, रेस्ट कर ले बेटा। क्या हुआ, पैर पे चोट लग रही है क्या? अरे माँ, पैर पे चोट लग रही बेटा, और ऐसे कैसे चल रहा है? पेट पे, पेट पे कैसे लगी? अच्छा हल्की सी लगी। हाँ आ जा बेटा, आ जा। बुला ले रमन को, आवाज आवाज कर, रुका मार। वेरी गुड। अभी किसकी एंट्री होगी? आराध्या की। इधर ही आ जाएगा बेटा, एक दासे मत कूद, सीढ़ियां ऐसी है, धीरे चल बेटा। इतनी भाग दौड़, दूसरी सीढ़ियां है बेटा, ये थोड़ा संभल के चलना है। फ्लैट्स की सीढ़ियां ऐसी ही होती है। अरे कहाँ रह गए? आ गई मसूरी की रानी राजकुमारी। फिर से हम वीडियो बनाएंगे। और थक गई मुनिका, थक गई। ले बैग दे। ले बेटा पकड़ इसको, वहां रख दे। आ जाओ जाओ, आराम से आ जाओ, इतनी तेज मत भाग बेटा सीढ़ियों से। लवन्ना दे बैग। आदत को नहीं ना सीढ़ियों पे चढ़ने की। आजा
कोई ना श्याम ने देखे जा अगर दूध तो और ठीक रहे हमारे सफर ठीक है बैठ जो चाय चढ़ा रखी है हाँ बेटा बाद में देखना ये सारी चीज शानी बेटी हेलो गाइस बोल दे भी हेलो फ्रेंड्स बोल दे बेटा बोलना एक बार इधर से बोल यू कहते हेलो फ्रेंड्स वहाँ गई बुआ के घर फिर से बोल बेटा धीरे से नहीं बेटा अच्छे से बोल चलो ठीक है बेटा ये रमन से रमन है आराध्या को ये बंदूक उतार के दे बेटा एक बार रमन ट्यूशन गया बेटा दोबारा वापस आएगा तब दे देगा ठीक है वापस आएगा ना तब ये बंदूक उतार के दे देगा ठीक है कर लो रेस्ट हाँ हाँ आ जाओ अंदर चलो गेट बंद कर देती हूँ बेटा एसी चला रखा है ठंडा हो गया पूरा कमरा क्या लेके आई ये वाली मिठाई लेके आई तुम कौन सी है खाली तुमने कौन सी है ये अच्छा काजू पिन्नी अच्छा देखते हैं चलो खा के कैसी है अच्छी है बाद में ये तो ऐसे ही है बेटा और तुमने कितने चिल्ले खाए हैं दिखा टमाटर वाले हैं ना ये सही है ये हनी अपनी सोसाइटी में वॉक कर रही है बेटा और रनिंग कर अब कितना टाइम हो गया हाँ घूमते मेरी बेटी को मैं घुमा लाई अपनी सोसाइटी में घुमा लाई अच्छा यहाँ से पहचान लेगी बेटा अपना फ्लैट कौन सा है कौन सा अपना फ्लैट बता दे साइड में रह कौन सा फ्लैट है अन्नी रानी का बुआ भतीजी का कौन सा फ्लैट है भाई देख वो रे कहाँ है रमन वो अंगद कहाँ से बोल रहे हो तुम आराम से इतना तेज मत भागो तुम रमन है रमन इधर आ बेटा कहाँ घूमने जा रहे हो तुम भाई अब तो बेटा रात हो रही है अब नहीं अरे साइकिल साफ तो कर लिया कर बेटा ये रमन ज्यादा दूर ना जाइए बेटा इसी सोसाइटी में घुमा लिया इस अच्छे से बैठ जा तू पैर ऊपर करके बेटा इसको पता नहीं है ध्यान से बैठा ले जल्दी आ जाइए 10 मिनट में हाँ रम अन्नी जा रही है बेटा आ रही हूँ मैं भी
आ जाओ बेटा, रमन आ जाओ बेटा, चल रमन है, मैं तो ऊपर जा रही हूँ बेटी। क्या कर रहे हो? नहीं अंदर नहीं, वैसे ही एक बात कहनी थी। अंदर अच्छा है तुम्हारा, ये तो बड़ा सारा सोने की तैयारी है। क्या बना दिया भाभी ने? पूड़े, पूड़े बना दिए, आटे के पूड़े, यही खाते हैं डिनर में। रमन और अब भी नीचे खेल रहे हैं, कहाँ है वो? उनकी साइकिल तो नहीं दिख रही। पता नहीं, इधर तो नहीं दिखाई दे रहे। मोनिका तो स्कूटी लेके गई है और वो साइकिल पे घूम रहे थे इधर। अन्नी भी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ घूमने गए हैं पता नहीं। नौ बज गए मेरे ख्याल में, 9:30 का टाइम हो गया। रमन बुलाते हो, इधर उधर होंगे तो। अंगद अन्नी कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ गए। आ जाएंगे, मोनिका के साथ गए, स्कूटी पर तो नहीं गए तीनों, स्कूटी पर आ जाएंगे वो आगे। नहीं नहीं वो तो नहीं है। ये इतने सारे गुब्बारे अंगद किस लिए बुला दिए? अंगद मेरी बात तो सुन, किसके लिए ये इतने सारे गुब्बारे? आपके लिए। मेरे लिए क्यों? बुआ का बर्थडे याद है? बुआ का बर्थडे मनाओगे? सियाना बेटा है भाई, सम्राट को और बुलाओ। अंगद है सम्राट को और बुलाओ, सम्राट भी मनाएगा बुआ का बर्थडे। क्यों नहीं लेके आए तुम? वैसे उसको उसको ले आते बेटा, सम्राट को क्यों नहीं लेके आई? कूट कूट के मारता, एक ऐसे धर देता, एक ऐसे धर देता। ये कुश्ती का वो है अखाड़ा, बेड को कुश्ती का अखाड़ा बना दिया भाई। आज हो गया बुआ का घर कुश्ती का अखाड़ा। देखिए उस साइड गिरेगा, इधर आ जा। अन्नी सम्राट को क्यों नहीं लेके आई? हाँ बेटा पीट देता तुम्हें, और है ना बलून नहीं बुला देता शादी। रमन यहाँ खड़े हो, क्या कर देता है? बोल बोल इधर हो, क्या बोलेगा? चलो तुम्हारी हाइट की वीडियो बनाते हैं, याद रहेगी। आ जा रे, कितनी कितनी है मोनिका? 130.1 सेंटीमीटर। फुट के हिसाब से वो इंच के हिसाब से बताना। फुट के हिसाब से 5 फुट 1 इंच है ये। 5 फुट की होगी? नहीं 5 फुट की कैसे हो जाएगी? मैं 3 फुट 4 फुट 2 इंच और 4 फुट 3 इंच की। हाँ 4 फुट 3 इंच।
अंगद हो गया 136 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 137 सेंटीमीटर, 4 फुट 5 इंच का, चार फुट पाँच इंच का। हो गया है रमन, सीधा खड़े हो बेटा। 149 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 फुट 10 इंच नहीं 149.1 इंच और इंच कितना 4 फुट 10 इंच है। मैं बीएमआई कैलकुलेट कर रही हूँ। BMI कैलकुलेट करो भाई। अंगद वेट करो बेटा जल्दी। अंगद वेट और करो बेटा, वेट और नापते हैं तुम्हारा। इसका कितना बताया था मैंने आज? अंगद तेरी हाइट कितनी थी? इसकी 130 मैं रिकॉर्डिंग कर रखी है, सुननी पड़ेगी। 4 फुट 5 इंच एक बार वेट और करवा ले इनका, फिर मैं वीडियो में देख के बता दूंगी। वेट करो, वेट इधर कर, ठीक है? ये वाली पिन नहीं कह रही, थोड़ी सी स्टाइलिश होनी चाहिए थी ना बेटा, घूमने में वो ज्यादा अच्छी लगती है। अरे आ जाओ रे, तंग मत करो। ये है 27.60। आराध्या का वेट है 27.60। ओके डन। चलो दोबारा। कितनी है इसकी? अब रमन है, एक बार आना बेटा, वेट करना। ये तेरा बीएमआई नॉर्मल है 16। ये आराध्या का बीएमआई है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। आज बच्चों का वेट नापते हैं, फिर वो क्या कहते हैं बीएमआई चेक करते हैं अच्छे से, इनकी डॉक्टर जांच करते हैं। डॉक्टर मोनिका रोपड़िया 28 चिल्ड्रन को चेक करते हैं आज बच्चों को। कितना है बेटा? 28 आराध्या का वेट, इसका अंगद का वेट है 28। दोबारा खड़े आओ, दोबारा खड़े आओ। 28 अंगद का वेट है 28। रमन है, रमन है, आप भी आओ बेटा एक बार। रमन रमन की एज कितनी है? रमन को चेक करते हैं 30.15। मशीन टूटा से। रमन का वेट है 30.15। हाँ 149 BMI चेक करो। BMI इसके अंदर वेट कितना होना चाहिए? इसका वेट कम से कम यहाँ आएगा तो नॉर्मल होएगा। इसका अगर मान लो 35 वेट होता है तो नॉर्मल में आता है। अरे छोटा ये फिर मेरा नॉर्मल आएगा थोड़ा। ओ मैंने का सबसे ज्यादा नॉर्मल है। अंदर मोटी ज्यादा है और रोमन थोड़ा। हां तो ये मोटी है, नॉर्मल है, वो थोड़ा पतला है, नॉर्मल है, बात खत्म, सब ठीक है। वो देखो मोनिका वेट चेक कर लिए कितना है, लगी। देखते हैं सही है उनका तेरा वेट तो ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा तो मेरा 10-12 किलो ज्यादा है। मैं बड़ाई करके नहीं हूं ऊपर, मैं बड़ाई मगी नहीं हूं। मतलब वो बातों में उलझोगे अपने काम से, मतलब क्यों नहीं रखते तुम? आपकी बैटरी आनी है, खो गई यार। तो एज क्या है? मैंने तो बोला सोगी माँ, नींद आ रही है क्या? तबीयत ठीक है? हाँ दे
लेके आ रही हूँ। ओवरवेट है कितनी ओवरवेट कितना है 60-65 तो होना चाहिए। और देखो जैसे मान लो मेरे 65 थोड़ा नॉर्मल है, अगर मैं 55 लिखूंगी ना तो मैं थोड़ी नॉर्मल हूँ। 58 केजी मेरा नॉर्मल आएगा सही। पूरा हंगामा कर रखा है, ऐसे कोई बच्चे नहीं करते इतना हंगामा। जब वो कल खाना लेगा ऊपर बस अब सो जाओ, अब सोना है टोटली। हम और भी काम करने बेटा, कल फिर एक सरप्राइज देंगे तुम्हें। रमन है कल कल तुम बच्चों को एक सरप्राइज देंगे। अच्छा सो जाओ अब। इसके काम देख, ये कोई खेल है? कोई खेल सीधे तरीके से खेलना आएगा तुम्हें? सम्राट को भी ले आते और दीक्षा को भी ले आते। भी आ जाती तुम्हारे साथ खेलती इधर बुआ के घर ले आते बेटा सम्राट को भी। अब तो बड़ा हो रहा वो। अच्छा नानी के जा रखा था फिर ले आती। अच्छा फिर बता दो तो थोड़ा बड़ा तो हो गया लेकिन अभी भी छोटा है, अभी उसको अपनी मम्मी की ज्यादा जरूरत है। फिर लेके आना पता हो जाए फिर लेके आना ठीक है। क्या करूं कहां देखे आएगी देखे ये गिर गई ना आपे कर लेंगे मोनिका इनको सुहा देती। ये होम्योपैथिक की दवाएं हैं। ये मेरी बाबे का क्लिनिक है होम्योपैथिक क्लिनिक। ये दवाई इसमें भर रहे हैं छोटी छोटी इस तरह से देख इस तरह से छोटी छोटी ये होती है बोतल टाइप और इसमें ये छोटी छोटी दवाई डलती है। इसको बोलते हैं होम्योपैथिक मेडिसन होम्योपैथिक मेडिसन बोलते हैं बेटा। मत करो रेखा, खेलने की चीज है क्या? ओ, ऐसे डालते हैं एक बार बोलिए बेटा दोबारा बोलिए बाबा तो क्या दिक्कत है बोल लो बेटा बोल दे बेटी बोल दे। काम को काम और किसके आगे लगाऊं थोपड़े के आगे ही लगता है हमेशा फोन।
ये कर लो, ये अपने काम से मतलब रखो, काम को काम समझो और अच्छे से निपटाओ, अदरवाइज सो जाओ। ना मैं इनको सुनाऊंगी, ये काम करेंगे कि मोनिका देवरी है, ये थोड़ी काम करेंगे, ये तो अपने को ही करना पड़ेगा, इनको सुनाऊंगे। काम नहीं करेंगे, गिरा देंगे, बिखेर देंगे और दुगड़ा, मतलब जो काम है उसको डबल ट्रिपल बढ़ा देंगे। ये कौन सी है वैसे, किस है? नहीं ये ये मेडिसन है, किस इलाज के लिए है, क्या ट्रीटमेंट है? अच्छा इसमें दवाई डालेगी है? ये बेटा पहले तो इनमें बग के और फिर अलग अलग टाइप की दवाइयाँ डलती है, वो ये छोटी छोटी ऐसे ड्रॉप्स होती है ना, ये ऐसी बॉटल में, कैसे ऐसी बॉटल में ड्रॉप्स डालती है। अच्छा ये है, ले ले क्या तो ये इसमें ना ड्रॉप होती है और ये फिर ये इसमें डाल देंगे ड्रॉप, तो ये ना ये दवाई को सोख लेगी, ये छोटी छोटी जो गोलियाँ हैं ऐसा ही है क्या आराध्या? ऐसे बनती है होम्योपैथिक मेडिसिन? ये बेस है बेटा, फिर कोई भी दवाई बना सकता है इसमें, वो ड्रॉप डलेगी ना फिर कोई भी दवाई ट्रीटमेंट चलेगा। क्या करना है कैंची से? अच्छा आराम से करो बेटा, मैं बंद कर रही हूँ अब मोबाइल, और नहीं करती मैं रिकॉर्डिंग, थक गई। ठीक है लगे रहो, वेरी गुड, और फिर सो जाना बेटा जल्दी, कल सरप्राइज देते हैं बहुत अच्छा। ओके देख ये आंखों में दवाई डाल रहे हो, देख क्या शोर चल रहा है आंखों में दवाई डालने का, बैम हो गया। पहले तो बेमतलब टीवी मोबाइल देखेंगे और फिर हमें यूं सोच रहे हैं आंखों में दवाई डालने से आंखें ठीक हो जाएगी और हम आराम से टीवी और मोबाइल खूब देखेंगे, है वो भी चश्मा लगा के। ना ना बंद करके रखते हैं, कहाँ गई हनी? आ जा जा जल्दी आ, जब आपने फर्स्ट टाइम खोला था खोले कितना टाइम हो गया? एक महीने से ऊपर हो गया, तो ऐसे तो कोई तो यूज करते रहते हैं एक एक दो दो साल तक, इसमें लिख तो नहीं रखी, इसमें तो एक्सपायरी डेट लिख रखी है एक दो साल, ऐसे एक महीना तो फिर तभी चला जाता है, तभी चला जाता है, तो इतने में कंज्यूम हो जाती है ये। अगर आप डेली के वो दूसरी नहीं खोल गया तुमने, रमन है ये बता, दूसरी वो एक और है वो खोली है? वो नहीं खोली ना, वो कैसे नहीं खोली गए ऐसा? सो जाओ, मत तंग करो, मत तंग करो हमें, हे मंकी बंदरो हमें मत तंग करो, प्लीज सो जाओ, हम पर दया करो। मंकी मंकी कैसे चढ़ते हैं?
करना ये दांत कैसे टूट गया दिखाइए कैसे टूटा ये बता ये ना एक बार अब तो दांत तो टूटेंगे बेटा सारे फिर आएंगे नए ठीक है रे सो जाओ अब बहुत हो गया बंद करो ये सारे अटबट अबे सोने पे लड़ाई करेंगे तुम्हारी सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड करूंगी मोबाइल में फिर बड़े होके देखना तुम अब है ना बेड पे पड़ गए अब आंख बंद करके तभी सो जाओ और बातें नहीं करनी दो घंटे में हाँ, तो मैं सोता हूं। समझ गए आंख बंद करके टनाटन नींद लॉन्ग ड्रीम में हो जाओ सारे वरना सम्राट को बुलाती हूँ तुम्हारी सबकी पिटी कर देगा सबसे छोटा है और सबसे खोटा है सबकी तुम्हारी लीडरशिप अच्छी करेगा चलो रे सो जाओ अब बहुत हो गया दिमाग खराब कर रहे हो इतना मत बता रहे रमन कम ज्यादा मत कर अब इसको कर दे 22 और फैन कर दे इसका फैन कर बेटा F3 और 22 बस इतना काफी है बेटा ठंडा कर देगा बिल्कुल अपना ठंडा ही अच्छा सम्राट के मतलब सम्राट के बड़ा छोटा भी है बेटा ऐसे थोड़ी मारोगे तुम चाची तुम्हें डांटती है सम्राट तुम्हें मारता है चाची तुम्हें डांटती है नहीं मत कर क्या है कहा क्या कर दिया बस इसकी थोड़ी सी लग रही है बेटा इधर तो उठो